मैं आपको इस लड़की से इसलिए मिलवाना चाहता था क्योंकि ये बहुत ही सुंदर नृत्यांगना है, बहुत ही सुंदर नृत्य करती है। मैं चाहता हूं कि आप इस लड़की का नृत्य देखें। नहीं, हम इस लड़की का नृत्य नहीं देखना चाहते। पंडित जी, हमें ज्ञात है कि अब आपको नृत्य देखना पसंद नहीं है। यहां तक कि आश्रम में रहने वाली कबीले की लड़कियां जिन्होंने अपने पुरखों से नृत्य सीखा है, जब वो अपने नृत्य का प्रदर्शन करती हैं, तो वो भी आप नहीं देखते। यह कैसी विडंबना है कि जो नृत्य आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, अब उसी से आप दूर भागते हैं। और अब झनक भी देखती है इस पंडित जी को, जिन्हें नृत्य से आखिर क्यों इतनी नफरत सी है, जब नृत्य ही इनकी जीवन रेखा थी। पर पंडित जी, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? पंडित जी, हम आपका बहुत आदर करते हैं। यदि आप हमें अपना शुभचिंतक मित्र मानते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि एक बार इस लड़की का नृत्य अवश्य देखिए। अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है इसके नृत्य में। रहस्य? हाँ पंडित जी, रहस्य। वो रहस्य मुझसे बेहतर आप जान पाएंगे, क्योंकि मुझे जो ज्ञान है थोड़ा बहुत वो मैंने आपसे ही सीखा है। लेकिन अब हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब झनक बस उन दोनों के बीच खड़ी सुनती है नृत्य शैली की बातें, पर उसे ये नहीं समझ आती कि कोई नृत्य से ही कैसे मुंह मोड़ सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर साधु बाबा इतनी जोर क्यों दे रहे हैं। अगर ये मेरा नृत्य देखना ही नहीं चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती मत कीजिए, जरूरत नहीं है। ये अपने अहंकार में बोल रही है बच्ची, हमें तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है। क्या है कि अब हम इस कला से ही प्यार नहीं करते। पंडित जी, इसके पीछे क्या कारण है हम जानते हैं, परंतु हम आपसे बस प्रार्थना कर सकते हैं कि एक बार इस लड़की को अवश्य अवसर दीजिए, आप इसका नृत्य अवश्य देखिए। ठीक है, क्या करोगी? कथक। घुंघरू हैं? नहीं, हमारे पास है। और जहां एकाएक झनक के मुंह से कथक निकलती है, तो साधु भी खुश होते हैं। और अब बेटी, याद है तुम्हें? कर लोगी तुम? पता नहीं, लेकिन एक बार जब शुरू करूंगी तो कुछ ना कुछ तो अंदर से बाहर आएगा, और वो डांस हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, हम ताल देंगे, तुम नृत्य करना। ताल, कितना मधुर शब्द है यह ताल। और इतने वर्षों के पश्चात आपके मुखार बिंदु से यह मधुर शब्द ताल सुनकर हमारा हृदय आनंदित हुआ। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहन लो। पहन लो बेटी। और अब एक बार फिर समय ने झनक के हाथों में वो घुंघरू थमाए हैं, जिसके बाद शायद अब उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। और पंडित जी भी देखते हैं कितना सम्मान करती है ये लड़की घुंघरू की, अपनी कला की। और अब शुरू करती है झनक अपना नृत्य, उस कला का करती है प्रदर्शन जो उसके रग रग में बसता है।
दीन दाना ना ना ताना देरे ना देरे ना दीन दाना ना ना ताना देरे ना देरे ना दीन ताना ना ना ताना देरे ना देरे दीन देरे तदारी दानी दीन ताना ना ताना देरे तदारी दानी दीन ताना ताना देरे ना तादारी दानी ताना ताना देरे ना तादारी दानी ताना ताना देरे ना तादारी दानी ताना ताना देरे ना देरे ना dere na dere na dere na din da na 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 da dere na dere na dere na din da जाकर झनक ये दमदार नृत्य पूरा करती है, जिसे देख हर कोई चकित रह जाता है, पंडित जी भी। आखिर ये अद्भुत कला इस लड़की को किसने सिखाया है? ये तो सिर्फ एक घराना में सिखाया जाता था। और अब हुआ है असली गुरु के सामने झनक का ये नृत्य, जो एक एक ताल मुद्रा से वाकिफ है। और आज सालों बाद इस लड़की को देखा है ये बखूबी निभाते हुए। तो चलिए आप भी आगे देखना ना भूलिएगा, इनका परिचय से आगे और क्या नतीजा निकलता है झनक के जीवन में। बने रहिएगा कंप्लीट बॉलीवुड के हर एक अपडेट्स के लिए, जहां झनक के जीवन का बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। पर क्या झनक इसके लिए तैयार है? क्या पहचानेगी कि ये पंडित जी उसके पिता हैं, या होगा कुछ और ही? बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।